मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल कलर होम हैप्पी विद नितिका। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आज मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है गाइस। और मैं आपको यही बता रही थी कि आज मौसम बहुत, वेदर बहुत अच्छा है और सन नहीं है, सूरज चाचू आज नहीं आए हैं और मॉनसून मुझे लग रहा है कि आज आ जाएगा। तो आज लग रहा है कि मॉनसून शायद एंटर करे, शायद आ जाए मुजफ्फरनगर में। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वो क्या रहा है। आज फ्रेंड्स मैं वॉक करने निकली हूँ, 7 o'clock हुए हैं और होता क्या है, डेली 7 बजे मैं उठती हूँ तो बाहर देखती हूँ तो बहुत तेज़ सन हमें झुलसा रहा होता है, सनी डे होता है रोज़। तो आज सन नहीं है, सूरज चाचू नहीं आए हैं, तो मैं बाहर निकली हुई हूँ वॉक करने और अभी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है दूर से, सच में मज़ा आ रहा है। और बस रेन्स भी आ जाएं किसी तरह। मन कर रहा है कि थाली लूं और चम्मच लूं और बजाऊं, मुझे रेन्स दे दो। केरल ब्लॉग्स कैसे लगे सब, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग्स देखते रहिए। कीप वॉचिंग माई चैनल कलर होम हैप्पी विद नितिका। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी सुबह शाम के 4 बजे हुए हैं और सुबह से मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला था। अभी तथ्या सोई हुई है तो आई कैन मेक यू सी, मैं आपको दिखा सकती हूँ इस समय कि मैं मेरी अब तक की जो जो DIYs, जो क्रिएशंस हुई हैं और जो पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं आज तक, या फिर आज तक क्या कुछ तो डिमोलिश हो चुकी हैं और कुछ अभी मेरे साथ हैं और कुछ अभी भी पैक्ड हैं जो मैं नहीं निकाल पाई हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने डेकोरेट की हैं अपने घर में बना के, DIYs बहुत सारे हैं। कुछ चीज़ टेम्परेरी थी, कुछ परमानेंट जो थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा। जी से स्टार्ट करते हैं। इसकी एक स्टोरी है गाइस, ये आप देख रहे होंगे, हैप्पी एनिवर्सरी नितिका एंड अनुराग। तो ये मेरे भैया थे, उन्होंने हमें ये एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था और हमने इसको डेकोरेट किया। थोड़े दिन में एनिवर्सरी चली गई तो हमें लगा कि अब हम इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और गणेश जी बनने के बाद इस पे ये मेरे गेट के पास बहुत दिनों तक डेकोरेट रहा, बहुत दिनों तक मैंने इसे अपने की स्टैंड पे ऐसे ही हैंग किया और ये मैंने इसमें हैंग करने के लिए कलावा बांध दिया था। गणेश जी थे तो कलावा बांध दिया, तो ये बहुत दिनों तक हैंग रहा। ये आप देख रहे हैं, ये था नेक्स्ट। ये क्या है, ये एक विक्की और मिनी माउस की एक पेंटिंग है, छोटी सी। ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना था, मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, पहले से कुछ और फ्रेम हुआ था, तो अभी ये मैंने बनाया और वैलेंटाइंस डे पे मैंने इनको एक बना के गिफ्ट किया था। तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गिफ्ट रहा और मैंने इसे अपने बेडरूम में बहुत टाइम तक रखा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने कुछ कैनवस पेंटिंग्स बनाई थी, तो अब आप देखोगे तो आपको लगेगा पेंटिंग्स जो लोग करते हैं ना, वो हमेशा उनको क्या होता है कि उनका जो माइंड फ्रेम होता है, जो उनका दिल होता है या जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो पेंटिंग्स में निखर के आती हैं, वो पेंटिंग्स के थ्रू वो बाहर आती हैं। तो ये एक फैमिली है बहुत स्वीट सी, बर्ड फैमिली, मदर फैमिली, सॉरी मदर बर्ड, फादर बर्ड और ये बेबी बर्ड।
तो तथ्या को ये बहुत पसंद है, बोलती है मामा ये बर्ड फैमिली बनाई है आपने, तो ये पेंटिंग मुझे बहुत प्यारी, क्यूट सी एक फैमिली है इसमें, फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है गाइस। और ये आप देखिए, आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर, और लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो ये नेक्स्ट है फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे फ्लावर्स। और कलर्स मुझे बहुत पसंद है, इसमें जितने भी कलर्स लगे हैं ये सब ब्राइट हैं, ब्राइट कलर्स आर ऑलवेज नियर टू माई हार्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाली पेंटिंग भी। नेक्स्ट जो पेंटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो मेरे लिए ये चीज़ ऐसी है जैसे मेरे माइंड कुछ इमेजिन कर रही थी और वो एकदम से मेरे सामने आ जाए। क्या हुआ कि हम केरल होके आए तो वहाँ का कल्चर मेरे माइंड में घूमता रहता था, बहुत बहुत पसंद आया था मुझे वहाँ का कल्चर, लेडीज़ का स्पेशली, वहाँ का जो ड्रेसअप था और जो ट्रेडिशंस जिस तरह से होते थे वो हमेशा से ही बहुत पसंद था, पर केरल होके आने के बाद मुझे वो बेहद पसंद आने लगा। तो ये जब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था तो मुझे पिंटरेस्ट पे एक दिन ये पिक्चर दिखाई दी और मैंने कहा ये तो मुझे बनानी है, तो मैंने कैनवस पेंटिंग पे इसको एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया और ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। इस लेडी की बड़ी बड़ी आईज़ और बड़ा क्यूट सा, और ये हाथों में देखिए इसका फ्लावर्स वाली बकेट है, और सब कुछ बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल गेटअप इसका है केरल का, बहुत प्यारी लगी थी मुझे। नेक्स्ट है गाइस, अब आप कहेंगे इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, कलर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट टू मी, और ये कलरफुल बटरफ्लाइज़ हैं, नेचर से जुड़ी चीज़ें और फ्लावर्स और क्रेज़ी करता है, तो ये भी एक पेंटिंग्स में वो ही निकल कर आता है जो आपके माइंड में आपके हार्ट में चल रहा होता है, तो ये डिपिक्ट करता है माइंड फ्रेम को। फ्रेंड्स अगली पेंटिंग है बुद्धा की, बुद्धा मतलब पीस, और पीस भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब आई वॉन्ट पीस इन एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ। तो शांति मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बुद्धा से ज़्यादा पीस को कौन डिपिक्ट कर सकता है, इसीलिए बुद्धा भी मेरे फेवरेट हैं। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लोटस का फ्लावर टाइप सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। गाइस फाइनली ये पेंटिंग है, तो ये इसमें भी आप देख रहे होंगे कलर्स हैं, ये टेक्सचर्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में मैंने बनाए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, और ये बहुत दिनों तक मेरे लिविंग रूम में रही है, अभी हम शिफ्ट हुए तो पैकिंग में अभी निकली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या कोई इसे पहचान सकता है, ये है कुल्हड़ मतलब हमारे हम लोगों के यहाँ पे मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी के ग्लास में लस्सी चलती है, मार्केट से जब लस्सी लाएंगे तो इसमें मिलती है, तो उसको मैंने कलर करके ये दो छोटे छोटे पॉट्स बनाए थे, ये ऐसे दो हैं, अच्छे लगे ना, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, और मैंने इनको डेकोरेट भी किया था किसी ओकेज़न पे, तो फोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके ये गाइस ये तथ्या का बनाया हुआ है, अगर आप इसमें देख रहे हो ये एक ग्लास का बॉटल ग्लास का जार है, और उस पर तथ्या ने, इसका स्कूल का कोई प्रोजेक्ट था, तथ्या ने उस पर ये जिस पे जो स्ट्रिप्स होती है ना बर्थडे पे जब हम जो वॉल्स पे टांगते हैं उन स्ट्रिप्स को कट कर करके हमने इस पे फेविकोल से पेस्ट किया था, और जब इसमें हम लाइट डालते हैं गाइस तो ये बहुत सुंदर लगता है, तो इसकी पिक भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ये एक बहुत यूनिक आइडिया मुझे लगा था और ये बहुत प्यारा है।
ये गाइस ये है मिट्टी की मटकी। मटकी चाहिए थी हमें मुहूर्त पे क्या हुआ, हमें दो मटकी ऊपर नीचे रख के चलना था। तो ये ट्रेडिशन है यहाँ का मुहूर्त के लिए, गृह प्रवेश के लिए स्पेशली। तो मैंने सोचा सिंपल मटकी तो बड़ी अजीब लगेगी यार, तो हमने उसको डेकोरेट कर लिया था। और अब ये सब ये DIY है, सब कुछ बिल्कुल घर में था उसका ही हमने यूज़ करके और ये डेकोरेट किया। ये देखिए आप ऊपर नीचे सब कैसा लग रहा है और मुझे बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा इसको। इस अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ऐसी दो मटकी थी गाइस, एक अभी कहीं मिस हो रही है तो वो मुझे नहीं पता अभी कहाँ पर रखी है, लेकिन ये एक मुझे दिखी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। ये एक फ्लावर पॉट है और ग्लास जार था, उस पर हमने फ्लावर्स बनाए थे। तो ये आप देखिए कैसा लग रहा है, इसको जब हमने लाइट्स अंदर के रखा था तो डेकोरेट किया जब स्पेशली, तो ये बहुत प्यारा लगा था। इसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और एक जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो है ये। इस पेंटिंग का एक नाम होता है और चितपत्रा कुछ ऐसा नाम होता है इसका, और ये बहुत बहुत सुंदर मुझे लगा था। बिल्कुल मिन्यूट सी इसकी डिटेल्स जो हुई हुई है, वैसे मेरा हाथ पेंटिंग में इतना डिटेलिंग नहीं कर पाता लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप लोग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए यही मेरी क्रिएशंस थी। और यस एक चीज़ और थी गाइस, ये है रेनबो पिलो, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये मैंने DIY किया था इसको बस एक्रेलिक पेंट से पेंट करके, और ये पॉम पॉम्स लटका दिए थे इसको मैंने बना के। ये सब भूल के हैं, तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये, मुझे बहुत पसंद है। ओके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो फ्रेंड्स अब जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपसे वादा किया था दिखाने के लिए। ये सब मेरे DIYs मेरी क्रिएशंस हैं, और जो मैंने आपको दिखाया उन सब के बाद वो कैसे लगे जब मैंने डेकोरेट किया, तो वो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप मिनिएचर गार्डन देख रहे हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यारा लगा था मुझे। और ये पेंटिंग ये इतनी पसंद आई थी किसी को कि वो लेके चले गए थे। और यस कुछ भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स मज़ा लीजिए DIYs का, और कीप वॉचिंग कलर होम हैप्पी। टिल देन गुड बाय।